भारत में प्राचीन काल से ही ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कला, विज्ञान, गणित और ऐसे अनगिनत क्षेत्र हैं जिनमें भारतीय योगदान अनुपम है। हजारों साल पहले हमारे विद्वानों ने अंतरिक्ष, गणित, रसायन, आर्किटेक्चर, सर्जरी और साइंस के रहस्यों को जानकर उनका उपयोग करना सीख लिया था। इस धरती पर ऋषि मुनियों ने घोर तप, कर्म, उपासना, संयम के जरिए वेद में छिपे हुए गूढ़ ज्ञान व विज्ञान को जानकर हजारों साल पहले ही कुदरत से जुड़े कई रहस्य उजागर किए। यह इतने अद्भुत थे कि आज का विज्ञान भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। कई लोग तो यह भी मानते हैं कि अभी भी प्राचीन भारतीय विज्ञान की सभी खोजें हमारे सामने नहीं आ पाई हैं, और जो हम जानते हैं वह उसका एक महज छोटा सा हिस्सा ही है। इस वीडियो में हम आपको कुछ भारत के उन ऋषि मुनियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके ज्ञान से आज भी उजाला फैल रहा है। आचार्य कणाद। आचार्य कणाद एक ऋषि थे। वायु पुराण में उनका जन्म स्थान प्रभास पाटन बताया है। महर्षि कणाद ईसा से 600 वर्ष पूर्व हुए थे, अर्थात बुद्ध और महावीर स्वामी के काल में। परमाणु बम के बारे में तो आज हम सभी जानते हैं और यह कितना खतरनाक होता है यह भी हम जानते हैं। परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन कणाद ने जॉन डाल्टन से लगभग 2400 वर्ष पूर्व ही पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत को उजागर कर दिया था। महर्षि कणाद ने न केवल परमाणु को तत्वों की ऐसी लघुतम अविभाज्य इकाई माना जिनमें इस तत्व के समस्त गुण उपस्थित होते हैं, अपितु उसको परमाणु नाम भी उन्होंने ही दिया था और यह भी कहा था कि परमाणु कभी स्वतंत्र नहीं रह सकते। महर्षि कणाद ने यह भी कहा था कि एक प्रकार के दो परमाणु संयुक्त होकर द्विअणु का निर्माण कर सकते हैं। यह द्विअणु के ही आज के साइंटिस्ट का वाइनरी मॉलिक्यूल लगता है। उन्होंने यह भी कहा था कि अलग अलग पदार्थों के परमाणु भी आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार TN कोलब्रुक ने कहा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कणाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में विश्व विख्यात थे। कुछ मामलों में महर्षि कणाद का प्रतिपादन आज के पश्चिमी विज्ञान से भी आगे जाता है। महर्षि कणाद कहते थे कि द्रव्य को छोटा करते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जहां से उसे और छोटा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि उससे अधिक छोटा करने का प्रयत्न किया तो उसके पुराने गुण मिटते चले जाएंगे। महर्षि कणाद ने एटम को ही समझाने में अपना जीवन दिया, इसे ही सृष्टि का मूल तत्व माना। कहा जाता है कि जीवन के अंत में उनके शिष्यों ने उनकी अंतिम अवस्था में प्रार्थना की कि कम से कम इस समय तो परमात्मा का नाम ले ले, तो कणाद के ऋषि के मुख से निकला पीलव है, पीलव है, पीलव है, यानी परमाणु, परमाणु, परमाणु। भास्कराचार्य। यह भी प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। भास्कराचार्य का जन्म 12वीं सदी में कर्नाटक के बीजापुर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता महेश्वर भट्ट को गणित तथा अन्य शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है, जिसमें लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित तथा गोलाध्याय नामक चार भाग हैं। ये चार भाग क्रमशः अंक गणित, बीज गणित, ग्रहों की गति से संबंधित गणित तथा गोले से संबंधित है। दोस्तों, आज के समय में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है, किंतु आप लोग नहीं जानते होंगे कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन से भी कई सदियों पहले भास्कराचार्य ने उजागर कर दिया था। भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है और इसी कारण आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। उन्होंने करण कौतूहल नामक एक दूसरे ग्रंथ की भी रचना की थी। सबसे पहले उन्होंने ही यह बताया था कि कोई भी संख्या जब जीरो से विभाजित की जाती है तो वह इन्फाइनाइट हो जाती है। किसी संख्या और अनंत का जोड़ भी जीरो या अनंत होता है। भास्कराचार्य सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, पिंडों, इन सभी के बारे में जानने के लिए इतने ज्यादा कौतूहल में रहते थे कि वह रात रात भर खुले मैदान में बैठकर उन ग्रहों का अध्ययन किया करते थे। वे अपने समय के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इसके साथ ही वह उज्जैन की वेद्यशाला के अध्यक्ष भी थे। आचार्य चरक। ऋषि चरक के बारे में कहा जाता है कि ये पहली सदी के विद्वान थे तथा कुषाण शासक कनिष्क के राजवेद थे। कुछ इतिहासकारों ने इनका कालक्रम बौद्ध काल से पूर्व का माना है। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है।
इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है तथा सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के एवं उनके उपयोग का उल्लेख मिलता है। चरक की शिक्षा तक्षशिला में हुई। इनका रचा हुआ ग्रंथ चरक संहिता आज भी वेदक का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। 8वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और यह शास्त्र पश्चिमी देशों तक पहुंचा। आचार्य चरक ने शरीर विज्ञान, गर्भ विज्ञान व औषधि विज्ञान के बारे में भी गहन खोज की थी। आज के दौर में सबसे ज्यादा होने वाली डायबिटीज, हार्ट अटैक व ट्यूबरकुलोसिस डिजीज ऐसी अनेकों बीमारियों के निदान व उपचार की जानकारी बरसों पहले ही उन्होंने उजागर की थी। भारद्वाज ऋषि। दोस्तों, आज के साइंटिस्ट यही मानते हैं कि राइट ब्रदर्स ने वायुयान का आविष्कार किया। वहीं हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक सदियों पहले भारद्वाज ऋषि ने विमान शास्त्र के जरिए वायुयान को गायब करने के असाधारण विचार से लेकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह व एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाने के रहस्य उजागर किए। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र विमान के कई प्रकारों का उल्लेख किया गया था तथा हवाई युद्ध के कई नियम व प्रकार बताए गए थे। पतंजलि। पतंजलि प्राचीन भारत के एक मुनि और नागों के राजा शेषनाग के अवतार थे, जिन्हें संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। महर्षि पतंजलि को दुनिया का पहला योग गुरु माना जाता है, जिन्होंने योग के 196 सूत्रों को जमा कर इसे आम लोगों के लिए सहज बनाया। कई जगहों पर इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि वे पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुए थे। पतंजलि एक महान चिकित्सक थे और इनकी प्रेरणा से ही चरक संहिता लिखी गई थी। ऐसा नहीं है कि पतंजलि से पहले भी योग नहीं था, इससे पहले भी योग था, लेकिन इन्होंने इसे धर्म और अंधविश्वास से बाहर निकाला और एक जगह पर जमा किया ताकि जानकारों की मदद से आम लोगों तक यह पहुंच सके। योग को ध्यान के साथ भी जोड़ा ताकि शरीर के साथ मानसिक ताकत भी बढ़ सके। महर्षि सुश्रुत। ये शल्य चिकित्सा विज्ञान यानी कि सर्जरी के जनक व दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक यानी कि सर्जन माने जाते हैं। वे शल्य कर्म या ऑपरेशन में निपुण थे। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा के बारे में कई अहम ज्ञान विस्तार से बताया गया है। इनमें सुई, चाकू व चिमटे जैसे तकरीबन 125 से भी ज्यादा शल्य चिकित्सा में जरूरी औजारों के नाम और 300 तरह की शल्य क्रियाओं व उसके पहले की जाने वाली तैयारियों जैसे कि उपकरण उबालना आदि के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। जबकि आधुनिक विज्ञान ने शल्य क्रिया की खोज तकरीबन 4 सदी पहले की गई है। माना जाता है कि महर्षि सुश्रुत मोतियाबिंद, पथरी, हड्डी टूटना जैसी पीड़ाओं के उपचार के लिए शल्यक्रम यानी कि ऑपरेशन करने में माहिर थे। यही नहीं बल्कि वे त्वचा बदलने की शल्य चिकित्सा भी किया करते थे। गर्ग मुनि। गर्ग मुनि नक्षत्रों के खोजकर्ता माने जाते हैं, यानी कि सितारों की दुनिया के जानकार। ये गर्ग मुनि ही थे जिन्होंने श्री कृष्ण एवं अर्जुन के बारे में नक्षत्र विज्ञान के आधार पर जो कुछ भी बताया वह पूरी तरह सही साबित हुआ। कौरव पांडवों के बीच महाभारत युद्ध विनाशक रहा। इसके पीछे वजह यह थी कि युद्ध के पहले पक्ष में तिथि क्षय होने के 13वें दिन अमावस थी। इसके दूसरे पक्ष में भी तिथि क्षय थी। पूर्णिमा 14वें दिन आ गई और उसी दिन चंद्र ग्रहण था। तिथि नक्षत्रों की यही स्थिति व नतीजे गर्ग मुनि जी ने पहले ही बता दिए थे। बोधायन। बोधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और सुल्व सूत्र तथा स्रोत सूत्र के रचयिता है। पाइथागोरस के सिद्धांत से पूर्व ही बोधायन ने ज्यामिति के सूत्र रचे थे, लेकिन आज विश्व में यूनानी ज्यामिति शास्त्र, पाइथागोरस और यूक्लिड के सिद्धांत ही पढ़ाए जाते हैं। 2800 वर्ष यानी कि 800 ईसा पूर्व में बोधायन ने रेखा गणित, ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों की खोज की थी। उस समय भारत में रेखा गणित, ज्यामिति या त्रिकोणमिति को सुल्व शास्त्र कहा जाता था। सुल्व शास्त्र के आधार पर विविध आकार प्रकार की यज्ञ वेदियां बनाई जाती थी। दो समकोण समभुज चौकोण के क्षेत्रफलों का योग करने पर जो संख्या आएगी उतने क्षेत्रफल का समकोण समभुज चौकोण बनाना और उस आकृति का उसके क्षेत्रफल के समान के वर्त में परिवर्तन करना, इस प्रकार के अनेक कठिन प्रश्नों को बोधायन ने ही सुलझाया था। आर्यभट्ट। ये 5वीं सदी के गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, ज्योतिषी और भौतिक विज्ञानी थे। सबसे पहले इन्होंने ही पहली बार
पाई का मान 3.1416 निकाला था। गणितज्ञ आर्यभट्ट ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीरो के लिए कोई संकेत, कोई सिंबल यानी कि जीरो दिया था। यह आर्यभट्ट के प्रयासों का ही परिणाम था कि गणितीय क्रिया विधियों जैसे जोड़ने और घटाने में शून्य का प्रयोग शुरू हो सका। इसके अलावा आर्यभट्ट ने विज्ञान के क्षेत्र में खास तौर पर खगोल शास्त्र में बहुत योगदान दिया और इस वजह से खगोल शास्त्र के पिता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राचीन भारत में खगोल शास्त्र विज्ञान बहुत उन्नत था। खगोल शास्त्र नालंदा जहाँ आर्यभट्ट ने पढ़ाई की थी वहां पर प्रसिद्ध एक वेद्यशाला भी बनी थी। उन्होंने कहा था कि धरती गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। इसे ही हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत के ये प्राचीन वैज्ञानिकों के द्वारा किए जाने वाले आविष्कार आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।